कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी संपत्ति को घोषित किया है। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे राहुल ने अपने नामांकन पत्र के साथ दाखिल हलफनामे में 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति घोषित की है। पिछले चुनाव में उन्होंने कुल 15.8 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी, जबकि 2014 में ये 9.4 करोड़ रुपए थी। राहुल ने बताया है कि उनकी आय का स्रोत सांसद का वेतन, रॉयल्टी आय, किराए की आय, बॉन्ड से ब्याज, लाभांश और म्यूचुअल फंड से पूंजीगत लाभ है। उन्होंने 2022-23 के लिए कुल आय 1,02,78,680 रुपए घोषित की है। उन्होंने हलफनामे में 9.24 करोड़ रुपए की चल संपत्ति घोषित की है। राहुल ने कहा है कि उन पर 49.7 लाख रुपए की देनदारी है। इसके साथ ही राहुल ने बताया है कि उनके पास 55,000 रुपए की नकदी है। राहुल ने हलफनामे में कहा है कि देश भर में उनके खिलाफ 18 मामले दर्ज हैं। उन्होंने दावा किया है कि राजनीति से प्रेरित मामले बीजेपी और आरएसएस की ओर से दायर कराए गए थे और अधिकांश मामलों में आरोप भी तय नहीं हुए हैं। राहुल के मुताबिक बैंकों में उनके 26.25 लाख रुपए जमा हैं। उन्होंने कई कंपनियों के म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, डिवेंचर में लगभग 8 करोड़ रुपए का निवेश भी किया है। संपत्ति में 333.3 ग्राम सोना भी शामिल है। दिल्ली के सुल्तानपुर गांव में विरासत में मिली खेती की जमीन में राहुल का हिस्सा बना हुआ है। हलफनामे से यह भी पता चलता है कि राहुल के पास गुरुग्राम में ऑफिस की जगह भी है। राहुल गांधी ने अपनी शैक्षणिक योग्यता कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिटनी कॉलेज से एमफिल बताई है, जो 1995 में पूरी हुई। हलफनामे से पता चलता है कि उनके पास कोई कार नहीं है।